नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का माल खाक। राजेंद्र नगर निवासी सुभाष बंसल और साहिल बंसल की फरीदपुर थाना क्षेत्र में अंधरपुरा गांव में प्लाईवुड की फैक्ट्री है। शनिवार सुबह फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। धुआं निकलता देख फैक्ट्री कर्मचारियों ने मालिक और पुलिस को आग की सूचना दी। इस पर सीओ फरीदपुर समेत अन्य अधिकारी और मालिक मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड की बरेली से 3 और फरीदपुर से 2 गाड़ियों ने पहुंचकर 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक लाखों रुपए की लकड़ी जलकर राख हो गई। हादसे के पीछे के कारणों की जांच चल रही है। बहेड़ी सीएससी प्रभारी डॉक्टर रोहन पर जानलेवा हमला। बहेड़ी सीएससी प्रभारी डॉक्टर रोहन बीती रात कार से घर लौट रहे थे, तभी हाईवे पर बाइक सवार 5 बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। कार के शीशे तोड़कर उन्हें बाहर निकाला और बुरी तरीके से पीटा। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। डॉक्टर रोहम ने बहेड़ी थाने में बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों सीएमओ के निर्देश पर क्षेत्र में चल रही 2 अवैध लैबों को छापा मारकर बंद कराया था। आशंका है कि उन्हीं लैबों के संचालकों ने हमला कराया है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने हमले की निंदा करते हुए बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की है। बिथरी चैनपुर विधायक से भिड़े सपा जिलाध्यक्ष, जमकर हंगामा। बिथरी चैनपुर के गांव आलमपुर जाफराबाद में शनिवार को किसान संतोष शर्मा की अंत्येष्टि की जानी थी, जिनकी सरदार नगर चौकी पुलिस की जुआरियों को पकड़ने के लिए दी गई दबिश के दौरान मारपीट में घायल होने से मौत हो गई थी। अंत्येष्टि के दौरान घर वाले 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। बताते हैं कि उन्हें समझाने के लिए बिथरी चैनपुर के भाजपा विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा गांव पहुंचे। वो किसान के परिजनों को कार्रवाई के लिए आश्वस्त कर रहे थे। इसी बीच वहां मौजूद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप उनसे भिड़ गए। अंगुली दिखाकर विधायक को कुछ कहने लगे तो विधायक के समर्थक गुस्सा गए। हंगामे के बीच सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप को भीड़ ने धकिया दिया। किसान की मौत और पूरी सरदार नगर चौकी के निलंबन हत्या के मुकदमा दर्ज होने के बाद यह मामला बेहद तूल पकड़ चुका है। अब अंत्येष्टि से पहले भाजपा विधायक और सपा जिलाध्यक्ष के भिड़ जाने से राजनीति भी उफान पर आती हुई दिख रही है। थोक कारोबारियों पर शिकंजे के बाद महंगी हुई आतिशबाजी। डीएम रविंद्र कुमार के दिवाली से चंद रोज पहले थोक पटाखा कारोबारियों पर शिकंजे के चलते इस बार आतिशबाजी महंगी मिल रही है। डीएम के निर्देश पर प्रशासन ने आबादी में चल रही पटाखा दुकानों को बाहर शिफ्ट करा दिया। वहीं दिवाली को देखते हुए सुभाष नगर रेलवे ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड, कैंट सदर बाजार, इस्लामिया ग्राउंड और MB इंटर कॉलेज में अस्थायी पटाखा बाजार लगा है। इस्लामिया ग्राउंड में आतिशबाजी लगाने वाले दुकानदारों ने बताया कि थोक कारोबारियों पर कार्रवाई के चलते आतिशबाजी 20% तक महंगी मिल रही है। फुटकर बाजार में माल भी कम आया है। मेरा नाम सर राम कुमार देवल है। इस बार पटाखों में कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? अभी सर इस वक्त तो हल्का है सर, पटाखों में महंगाई बढ़ी हुई है। ऐसा ना माल इन लोगों के पास जो होता है होलसेल वालों के पास में, वहाँ पे वो माल अभी जैसे बंद हो गई दुकानें, अब पैसे बढ़ गए। जो दुकानें भी पिछले दिनों छापेमारी और शिफ्टिंग कराई गई है, उससे कितना माल के काफी फर्क पड़ा है सर? लगभग कितना, 10% 20%? हाँ, 10-20% पर तो अपनी मन मर्जी के जितने रेट लगाते हैं सर, फिर उसी हिसाब से हमें भी लेना पड़ता है। क्या करें होलसेल वालों से, क्योंकि उनकी परेशानी है तो हमें भी परेशानी है सर। रिटेल वालों के छोटे आम आदमी खरीद नहीं पाता है फिर महंगे की वजह से। दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर फायर ब्रिगेड अलर्ट। दिवाली पर अक्सर आतिशबाजी के दौरान आग लगने से भीषण हादसे हो जाते हैं। ऐसे में अग्निशमन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। जिले में कई जगहों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को टीम के साथ तैनात कर दिया गया है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना होने पर जल्द से जल्द उस पर काबू पाया जा सके। देखिए अग्निशमन विभाग की तैयारियों और दिवाली पर आतिशबाजी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर स्टेशन फायर ऑफिसर संजीव कुमार यादव ने क्या जानकारी दी। मेरा नाम संजीव कुमार यादव और मैं फायर स्टेशन अफसर बरेली हूँ। सर ये जानना चाहेंगे कि कल दिवाली मनाई जानी है, तो उसको लेकर अभी तक क्या इंतजाम किए गए हैं, और यदि कोई दुर्घटना वगैरह होती है तो किस तरीके की सावधानियाँ लोगों को बरतनी चाहिए? देखिए दीपावली का पर्व है, महत्वपूर्ण पर्व है, और उसमें आतिशबाजी मुख्य रूप से की जाती है, और इन आतिशबाजियों के परिणाम स्वरूप आग लगने की घटनाएं काफ़ी हो जाती हैं। इस स्थिति में अग्निशमन विभाग शाखा बरेली ने काफ़ी तैयारियां की हैं। पूरे जनपद में करीब 27 स्थानों पर अपने फायरमैन, फायर बुलेट या फायर की गाड़ियां तैनात की हैं। 27 स्थान ये पूरे जनपद के हैं, जिसमें सभी तहसीलें सम्मिलित हैं। मुख्य रूप से शहर में जिन जिन स्थानों पर आतिशबाजी विक्रय की जा रही है, वहाँ वहाँ सब पर फायर टेंडर, छोटे बड़े या फायर की बुलेट तैयारी हालत में रखी गई हैं, किसी भी दुर्घटना होने पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई की जा सके। दूसरा क्वेश्चन आपका जो है
कि क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए। बेसिकली इस समय बाजी से होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं को रोकथाम के लिए नंबर वन, व्यक्तियों को अपनी जो छत है, छत पे वो पुराना फर्नीचर, घर का पुराना सामान स्टोरेज कर देते हैं और वो सामान ऊपर पड़ा रहता है, कोई भी आतिशबाजी का रॉकेट वगैरह वहाँ जाता है जिससे छतों पे अग्नि की दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चों से आतिशबाजी कराते समय सावधानी बरतें, टाइट कपड़े पहनें, बच्चों से आतिशबाजी ना कराएं। आतिशबाजी करते समय एक पानी की बाल्टी या कोई फायर एक्सटिंग्विशर अपने साथ रखें। इस तरह से अगर प्रयोग करेंगे तो अग्नि दुर्घटनाएं कम से कम होंगी और उनसे बचा भी जा सकता है। दूसरी बात, सभी लोग झालर लाइट घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवरलोडिंग की समस्या हो जाएगी। ये देख लें कि घर में जो लाइट या झालर जो लगा रहे हैं उसकी स्विचिंग, उसकी वायरिंग बहुत प्रॉपर तरीके से हो, ओवरलोडिंग ना हो जिस कारण शॉर्ट सर्किट की घटनाएं ना हो। सर वहीं कुछ जगह कंजेस्टेड एरिया, वहाँ पर दमकल की गाड़ी नहीं पहुँच पाएंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, वो बात आपकी सही है कि शहर का जो पुरानी आबादी वाला क्षेत्र है या जो घना क्षेत्र है वहाँ पर अग्नि दुर्घटना होने पर फायर टेंडरों का मूवमेंट बड़ा टफ होता है। तो या फिर शहर में दूर से एक जगह फायर स्टेशन है वहाँ तक पहुँचने में समय लगता है। इसके लिए हमारी विशेष व्यवस्था ये है कि शहर के विभिन्न स्थानों पर 6 या 7 स्थानों पर हमने फायर टेंडर खड़े किए हैं, कल भी खड़े होंगे, परसों भी खड़े होंगे, जिसमें बेसिकली आपका डोरा रोड हुआ, ये बेसिकली सुरेश शर्मा नगर है, डेला पीर है, बदायूं रोड है, कुतुब खाना है, यहाँ पर छोटे बड़े फायर टेंडर 6 या 7 डिफरेंट स्थानों पर खड़े किए जाएंगे, आग लगनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। डीएम ने किया राजकीय महिला शरणालय का निरीक्षण। डीएम रविंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय महिला शरणालय का निरीक्षण किया। उन्होंने बिल्डिंग की मरम्मत कराए जाने और भवन की सफाई कराए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान वहां रहने वाली महिलाओं को दिवाली पर फल और मिठाइयां भी वितरित की। बच्चों के विवाद में चले लाठी डंडे, 4 घायल। सीबीगंज थाना क्षेत्र में डोली राजपुरा निवासी अर्जुन ने बताया कि बड़े भाई करण के बच्चों का पड़ोसी भागीरथ के बच्चों से शुक्रवार दोपहर स्कूल से आते वक्त विवाद हो गया था। इस पर शनिवार सुबह भागीरथ ने घर आकर गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर भागीरथ, उसके भाई मोहित, रोहित, किशन पाल व अन्य लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसमें करण, अर्जुन, ओमवती और बनवती आदि गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। डीएम और एसएसपी ने किया पटाखा बाजार का निरीक्षण। डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी गुले सुशील चंदमान ने शनिवार को शहर में सुभाष नगर और हार्टमैन के रामलीला ग्राउंड में लगाए गए पटाखा बाजार का निरीक्षण करा। डीएम ने सभी पटाखा विक्रेताओं से सुरक्षा मानकों का पालन करने और विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। डीएम ने जनपदवासियों को दीपावली पर्व की बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और खुशहाल भविष्य की कामना करी। लोगों से अपील की है कि ग्रीन पटाखों का उपयोग करें, पटाखे जलाते समय बच्चों के साथ बड़े अवश्य मौजूद रहें। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।